ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस में लगाई आग। सुकमा में नक्सलियों का दंडकारण्य बंद के दौरान उत्पात मचाया। ओडिशा से हैदराबाद जाने वाली बस को आग के हवाले कर दिया। सुकमा छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों का दंडकारण्य बंद के दौरान अपनी उपस्थिति दर्ज कराने एक यात्री बस को आग के हवाले कर दिया। बस पूरी तरह जल के खाक हो गई। नक्सलियों ने पहले यात्रियों को बस से उतारने के पश्चात घटना को अंजाम दिया। नक्सलियों ने पर्चे लगाए और दंडकारण्य बंद को सफल बनाने का आह्वान किया। सुकमा में नक्सलियों ने यात्री बस में आग लगाई। ओडिशा से यात्रियों को लेकर बस हैदराबाद के लिए निकली थी, जिसके बाद कोंटा से लगभग 15 किलोमीटर दूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर थाना क्षेत्र के कोतुर में हत्यारा नक्सलियों ने बस को रोका। बंदूक की नोक पर यात्रियों को बस से उतार दिया और बस में आगजनी की। इस आगजनी में यात्री बस जल करके पूरी तरह खाक हो गई है। इस नक्सली वारदात की सूचना लोगों को पुलिस ने दी। सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पहुंची और जांच शुरू कर दी। सुरक्षा बल के जवानों को भी सर्चिंग के लिए क्षेत्र में रवाना कर दिया गया है। सुकमा में नक्सलियों ने दंडकारण्य बंद का आह्वान किया। इस बंद के दौरान नक्सली हमेशा से ही बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों में उत्पात मचाते आए हैं। यही कारण है कि नक्सलियों ने इस यात्री बस को आग के हवाले कर दिया है। नक्सली बैनर पोस्टर लगाकर दंडकारण्य बंद को सफल बनाने के लिए आह्वान किया है। सुकमा से हमारे संवाददाता धनंजय की खास पेशकश।